कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और कल के लिए मैं बता देता हूँ कि आप सभी लोग हमें सुबह 8:30 बजे ज्वाइन कीजिएगा और उसका आनंद लेंगे हम सबसे पहले ठाकुर जी की श्रृंगार आरती का, और उसके बाद भव्य दहलीज पूजन, चरण पादुका पूजन हमने रखा है, उसका भी आनंद हम लेंगे। तो आनंद बहुत आएगा, इंतजार कर लो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास लाली। और ठाकुर जी की चौखट पर आनंद ले रहे हैं, बहुत जल्दी ठाकुर जी अपने दर्शन देंगे। और आज भी ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने बेबी पिंक कलर की पोशाक धारण कर रखी है, यानी पिंक कलर के साथ इस वक्त ठाकुर जी 2-3 दिन से खेल रहे हैं। और कल बिहारी जी दूल्हा बनेंगे, एकादशी भी है कल, और बिहारी जी दूल्हा भी बनेंगे, और हम कल सबसे पहले जो उनकी श्रृंगार आरती होती है हम उसका आनंद भी लेंगे, बहुत आनंद आने वाला है श्रृंगार आरती में। तो उसके लिए आप सभी लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा हमारे को, और फिर उसके बाद दहलीज पूजन भी करेंगे, बहुत अच्छे से दहलीज पूजन भी रखेंगे कल ठाकुर जी का। जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय जय श्री राधा रमन लाल। बीच में पता नहीं कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो गया था जी महाराज जी, लेकिन फिर से आपके साथ हम जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल जी, आप शुरुआत में अपना परिचय भी दीजिए ताकि लोग जान सकें, और फिर चौखट पर आप जो ठाकुर जी को अर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, वो भी कीजिए। बिल्कुल, मेरा नाम समीर खन्ना है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, और मैं समझता हूँ ये ठाकुर जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि आज उनके आगे परफॉर्मेंस करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मैं बांसुरी वादन करता हूँ। और जैसे कि हम सबको पता ही है, स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने संगीत की साधना से ही बिहारी जी को प्रकट करा था, तो हमारा सौभाग्य है कि, और खास करके मेरा, कि उनकी सेवा का, संगीत से सेवा का करने का मौका मिला है, तो इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा, सबसे पहले हम राग ही स्टार्ट करेंगे, और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले राग वृंदावली सारंग सुनाना शुरुआत करूंगा, जिसमें हम एक छोटा सा आलाप करेंगे, और उसके बाद एक 3 ताल में रचना है, थोड़ा सा उसको प्रस्तुत करूंगा, बहुत प्राचीन रचना है। और ये जो राग है वृंदावली सारंग, हमारे संगीत में मान्यता है इसका जो रचना करी है वो श्री स्वामी हरिदास जी ने ही करी, राग वृंदावली। जय हो, जय हो, जय। बहुत बढ़िया, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, आज्ञा चाहिए आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी की चौखट से ही आपको आज्ञा आएगी।
Thank you.
Thank you.
बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। और जितने भी हमारे साथ भक्त जुड़े हुए हैं, जी बिहारी जी की कृपा, जितने भी हमारे साथ भक्त जुड़े होंगे, डेफिनेटली सभी को मजा आया होगा, आनंद आया होगा। मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था कि बहुत ही आनंद आ रहा था लोगों को। बस अब आपकी कुंज बिहारी श्री अरदास भी सुनेंगे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। मैं वही भजन बजाने जा रहा था, श्री कुंज बिहारी श्री जी, 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 जी। इसके बाद एक प्रस्तुत करेंगे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, फिर महामंत्र का भी जाप करेंगे आज थोड़ा। ठीक, तो प्रस्तुत करता हूँ मैं श्री कुंज बिहारी श्री अरदास से। जी 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 बिल्कुल। पर्दे में छिपे हैं बात, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।
अब मैं अगला प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी 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 आनंद आ रहा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। नहीं नहीं बहुत बहुत आनंद आ रहा है। अब हमारे पास ना स्पेशल डिमांड है और वो है राधे कृष्ण टोन, वो सुनना है आपसे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आरती आ जाएगी तो फिर हम विराम लेंगे और आपसे दोबारा मैं डेफिनेटली जल्दी मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और लोग कह रहे हैं कि दोबारा भी बुलाइए और रोज बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राधे कृष्ण टोन की बिल्कुल मतलब। तो मैं अब ये एंड सबके लिए आखिरी प्रस्तुत कर देता हूँ, राधा कृष्ण वाली धुन, दो मिनट के लिए। जी 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 फिर बिल्कुल। आज आपसे हम भी आगे चाहेंगे। जी ठीक है, मैं बिल्कुल राधा कृष्ण वाली धुन बजाता हूँ। या या Thank you.
आनंद आ गया आपके साथ आज मुलाकात करके, आपकी धुन सुनकर, और आपकी मुस्कान भी उतनी ही प्यारी है जितनी की आपकी धुन है। सब ठाकुर जी पर आप लोगों की कृपा है, महाराज जनों की। जी बिल्कुल, बिहारी जी की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है कि आपको इतना अच्छा, एक कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है, वो आपको एक उन्होंने दी है, तो आप इसको बिल्कुल, मैं कहता हूँ, बहुत आगे लेकर जाइए क्लासिक को हमारे। और मैं चाहूंगा कि जब दर्शन खुले तो एक दिन दोपहर के टाइम जब ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ रहा होगा आरती के बाद, शयन से पहले और आरती के बाद बीच में जो हमको हाफ एन आवर मिलता है, वो आपको यही चौकट पर बता के लाइव आप यहाँ बैठेंगे, फिजिकली मेंटली बिल्कुल हर तरीके से प्रेजेंट होंगे और आप सुनाएंगे ठाकुर जी को। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सौभाग्य मिलेगा तो जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा बनी रहे आपके। मेरा सौभाग्य है कि आपने हमें मौका दिया सेवा का ठाकुर जी का। जी, हम लोगों का सौभाग्य है। जी 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 बिल्कुल, बिहारी जी ने दिया जी आपको मौका, हमें आदेश दिया, हमने आपको जोड़ लिया, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ। जय बिहारी। बिल्कुल बिल्कुल, जय राधा रमन, जय श्री बिहारी, जय राधा, जय बिहारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, तो आनंद आ गया आज ये सुनकर। और कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा या दिल्ली के जैसे बुलाते नहीं, ये भी एक लाइन थी एक भक्त द्वारा, तो बिल्कुल सही लाइन है। हाँ आ गए सब, आ गए। तो आरती, आरती आ चुकी है, अभी तो नहीं आई है, बस 5-10 मिनट में आरती आने वाली है। तो जब यहाँ तक हम जुड़े हैं तो आरती में भी जुड़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर शेयर करना, चाहे लाइव सेशन विराम होने के बाद या अभी भी, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और इस धुन को सुन सकें। और जो कि स्वामी हरदास जी ने अपने संगीत की साधना से प्रकट किया है ना, जैसे ठाकुर जी को, बिहारी जी को, तो ऐसे ही आज उनकी चौकट पर हम लोगों ने भी ये धुन सुनी साक्षात, हम लाइव, आप लोग भी और मैं भी मौजूद रहा सुनने के लिए, तो बहुत आनंद आया। तो अब आरती का भी आनंद लेते हैं ठाकुर जी की, तो 2-5 मिनट और वेट करते हैं और इसको शेयर करते रहिए ताकि लोग हमारे साथ आरती में भी जुड़े हैं। और कल तो श्रृंगार आरती का आनंद लेना है जी, और उसके बाद भव्य देवी पूजन एवं चरण पादुका पूजन का भी आनंद लेंगे। 8:30 बजे कल आप हमको ज्वाइन कीजिएगा सुबह, रेडी हो जाइएगा, संडे है, फ्री ना हो तो फ्री हो जाइएगा, और फ्री है तो ज्वाइन कीजिएगा, मतलब फ्री तो रहना है आपको, फ्री तो आना है, तो बस ज्वाइनिंग कीजिएगा, तो आनंद लेंगे, बहुत आनंद आया सीरियसली। और अभी आरती में बस 2-5 मिनट रह गए हैं, जैसे ही आरती आती है, ठाकुर जी की आरती की बत्तियां चल रही हैं, इसके बाद आरती आएगी, हम लोग आनंद लेंगे। तो चलते हैं यहाँ से एक बार बाहर, और यहाँ से हम आरती का आनंद लेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास। और कल के लिए, कल के लिए हमने बहुत तैयारियां भी करनी है पूजन के लिए, बहुत आनंद आने वाला है जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई नो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। और आज हार्ट और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, शेयर तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आज इतनी अच्छी हमने ठाकुर जी के श्री चरणों में धुन सुनी है, क्योंकि बिहारी जी को तो संगीत से ही रिझाया था, लाल लड़ाते हैं स्वामी हरदास जी, और हम भी, आप भी उसके आज गवाह हो गए। तो अब आरती आ चुकी है, जय हो। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल, ये वाणी कि मेरे मन को सदा बिहारी लाल, आग बन्यो पटिका बन्यो बन्यो लाल कोबे, जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती ने। श्री आरती की जय, श्री नगनांगर की, श्री आरती की जय, श्री नगनांगर की, कंजन नैन नैन रसुमाते, कंजन नैन नैन रसुमाते, श्री रूप सुधा सागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की,
अब आवाज आ रही होगी, आप आरती भी करेंगे हम आपके साथ और आनंद लेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदा सुबह 8:30 बजे और फिर उसके बाद हम डेली पूजन एवं चरण पादुका पूजन है, तो यहीं पर चौपट पे मत्था टेक कर हम अपने लाइव सेशन को आज विराम देते हैं। जय बिहारी जी।